सारी जंगें जीत जाता है और खुद से हार जाता है, मगर उस मात का मजा सारी फतह की हुई जंगों से ज्यादा होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उस मात का इल्म अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं होता। उम्र भर बस फिर तुम मुस्कुरा कर घुटने टेक दिए जाते हैं और सजदे में गिर कर कहा जाता है, लौट आया तेरा बंदा, थाम ले, संभाल ले इसे, संभाल ले इसे। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने देता। जब मंजिल तक पहुंचने की तमाम राहें बंद नजर आए, तब भी याद रखना कि एक राह ऐसी है जो अब भी तुम्हारे लिए खुली है। जब कोई भी शख्स तुम्हारे साथ चलने पर आमादा ना हो, तब भी तवक्कुल रखना कि वो जो शाहरख से भी ज्यादा करीब है, वो आज भी तुम्हारा मुंतजिर है। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे, तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। तो फिर भागना छोड़ दो, ठहर जाओ, दुआ करो और इंतजार करो। बंद दरवाजों पर गम ना करो, खुले दरवाजों पर खुश हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गए उनको मत ढूंढो, जो तुम्हारे साथ रहा उसको तलाश करो। तुम उसके रास्तों पर चल दो और तुम्हारी रजा तक के रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे। ला हासिल चाहते हो तो हासिल पर राजी हो जाओ, फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन, सब तुम्हारा, रब तुम्हारा। और जब तुम उन चीज़ों पर शुक्र करना सीख लेते हो जो तुम्हारे पास होती हैं, तो अल्लाह तुम्हें वो भी दे देता है जिसका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है, जिसके मिलने की उम्मीद तुम बहुत पहले छोड़ चुके होते हो, क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत कि तुम उसकी एक चाहत को अपनी चाहत बनाते हो तो वो तुम्हारी सारी चाहतों को अपनी चाहत बना लेता है। अगर तुम जान जाओ कि जो तुम्हें अभी मिल नहीं सका उसमें अल्लाह की कितनी बड़ी मसलियत थी, तो तुम उसकी मोहब्बत देकर अश्कबार हो जाओ। अगर तुम जान जाओ कि उसने तुमसे कुछ लेकर तुम्हें क्या कुछ देने का सोच रखा है, तो तुम तमाम उम्र सजदे से सर न उठाओ। अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए कि वो कैसे तुम्हारे मामलात संभालता है, तो तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत से फट जाए। अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, वो तुम्हारी हर दुआ से वाकिफ है। बस वो चाहता है कि तुम अपनी ख्वाहिशात को उसके सपुर्द करके बेफिक्र हो जाओ और यकीन रखो कि जो हो रहा है उसी में अल्लाह की रजा है, और उसकी रजा से बेहतर तो किसी की रजा नहीं हो सकती। तो फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारा रब तो इतना रहीम है कि तुम उसकी एक सदा पे लब्बैक कह दो तो वो तुम्हारी तमाम सदाओं पे कुन फरमा देता है। तुम उससे भले लाख दफा ही क्यों ना मुंह मोड़ लो, मगर पलट कर जब भी उसको पुकारोगे तो वो तुम्हें हमेशा अपने पास मिलेगा। उसकी मोहब्बत तो ऐसी है कि वो रूठ कर भी रूठा हुआ नहीं लगता। तो फिर ऐसी मोहब्बत से मायूसी कैसी? अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नसीब के सामने बेबस इसलिए नहीं करता ताकि तुम मायूस हो जाओ या कमज़ोर पड़ जाओ, बल्कि वो बेबसी तब लाता है जब वो चाहता है कि तुम उसे पुकारो और इस बात की गवाही दो कि उसका एक हुक्म नसीब के सारे पन्ने बदल सकता है। यानी तुम उससे दुआ करो, उससे वो मांगो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम चाहते हो। तो फिर जो चाहिए उसे अल्लाह से ज़रूर मांगो, मगर उसके पीछे भागो मत। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो उन मामलात को अल्लाह के हवाले करना सीखो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। दस्तबरदार होना सीखो, चीज़ों को आज़ाद करना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। और वो चाहता तब है जब तुम अपनी चाहतें उसकी रजा पे कुर्बान कर देते हो, जब तुम जिद नहीं करते, जब तुम उसके फैसलों को कबूल कर लेते हो। अल्लाह कभी तुम पर जुल्म नहीं करता,
वो हमेशा फैसला तुम्हारे हक में देता है, फिर तुम उस पर राजी हो या ना हो। ये सोचे बिना कि जो मांग रहे हो वो मुमकिन है भी या नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। वो चाहे तो आसमान जमीन बन जाए और जमीन आसमान में बदल जाए, वो चाहे तो दिन रात हो जाए और रात दिन बन जाए, सारी बात तो सिर्फ उसकी चाहत की है, जो वो चाहे। जब तुम बंद दरवाजों पे राजी रहना सीख लेते हो, तब अल्लाह तुम्हारे लिए मौजूदों के दरवाजे खोलता है। अल्लाह तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल। जिसके एक कुन ने इतनी कहानियां मुकम्मल कर दी, वो फिर कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अल वदूद भी है, यानी देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेजुबान चींटी की खामोशी भी नज़रअंदाज नहीं करता, वो तुम्हारी हिचकियां लेती हुई आवाज़ को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो सुनता है, वो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। वो तो तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, जैसे माँ अपने बच्चे की एक सिसकी पर दौड़ी चली आती है। फिर वो कैसे तुम्हारी रोती हुई पुकार पर तुम्हें अकेला छोड़ सकता है। तुम्हें अभी ऐसा लगेगा कि जैसे अल्लाह ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, मगर तुम जल्द ही जान जाओगे कि जो नहीं मिला उसका मिल जाना कितना बुरा था। तुम जल्द ही समझ जाओगे कि शुक्र के लिए सब्र कितना ज़रूरी था। तुम्हारा मसला यही है कि तुमने जिसे अव्वल रखना होता है तुम उस तक आखिर में आते हो। जब सारी मोहब्बतें तुम्हें ठुकरा देती हैं, तब तुम दरे रब पे आते हो, और जब तुम वापस लौट आते हो तब वो तुम्हें धतकारता नहीं है बल्कि तुम्हें थाम लेता है। वो तुम्हें तोड़ कर तुम्हें दाखिल होता है। जब सब उस दिल से निकल जाते हैं तब वो इस दिल में बसेरा कर लेता है, और जिस दिल में वो रहता हो वहाँ उदासी नहीं रहती। अगर तुम जान जाओ कि जो तुम्हें अभी नहीं मिल सका उसमें अल्लाह की कितनी बड़ी मसलियत थी, तो तुम उसकी मोहब्बत देखकर अश्कबार हो जाओ। अगर तुम जान जाओ कि उसने तुमसे कुछ लेकर तुम्हें क्या कुछ देने का सोच रखा है, तो तुम तमाम उम्र सजदे से सर न उठाओ। अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए कि वो कैसे तुम्हारे मामलात संभालता है, तो तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत से फट जाए। जब तुम बंद दरवाज़ों पे राजी रहना सीख लेते हो, बस तब